जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना, इसका नेचर ही ऐसा होता है कि ये पब्लिक गुड के लिए ही होती है। इसको आप काफी टाइम तक दबा के नहीं रख सकते हो अपने अंदर। हेलो गाइस, आई एम प्रतीक, आपका कल्चर वल्चर में और ये 2021 में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में लिबजिन को बैन करने के लिए काफी सारे पब्लिशिंग हाउसेस ने पिटिशन दी है इन दिल्ली हाई कोर्ट कि लिबजिन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे देश का जो ऑथर है वो पे नहीं किया जाता है उसको ठीक से जब वो कोई रिसर्च पेपर लिखता है, और उसके बाद जो हमारे देश का क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो बहुत पुअर हो जाता है क्योंकि वो फ्रीली एक्सेसिबल होता है लोगों के लिए, विच इज एक्चुअली वेरी लाफेबल। बिकॉज यार हमारे देश में जो रिसर्च है ना वो इसलिए मीडियोकर नहीं है क्योंकि वो फ्रीली एक्सेसिबल है, वो इसलिए मीडियोकर है क्योंकि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली इफ यू आर रिसर्चर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जर्नल थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो हमारे यहाँ रिसर्च होती है ना वो ज़्यादातर लोग अपनी करियर में एडवांसमेंट के लिए करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए भी नहीं करते, वो पब्लिक गुड के लिए तो कहाँ करेंगे। तो ये हमारे एकेडमिया का सिस्टम है, वो बेसिकली एकेडमिक लेटर चढ़ना चाहते हैं इसीलिए वो रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो ये तो पॉइंट तो उनका गलत है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ये है कि यार अगर आप इसको बैन कर दोगे ना तो हमारे देश में इतने सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं लाइक माई सेल्फ, वो क्या कहाँ जाएंगे वो। और आप ये बात कर रहे हो यार, ये जो जर्नल्स हैं ना जैसे कि ये जेस्टर हो गया और प्रोजेक्ट न्यूज़ हो गया, ये सब जो जर्नल्स हैं ये बहुत ही टायर वन सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उन्हीं के पास इनकी एक्सेसिबिलिटी है। टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, उनका क्या होगा उन लोगों का, वहाँ पे ऐसी इन जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन शायद नहीं है, और इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स और रिसर्चर्स भी तो हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से पढ़ेंगे, वो कहाँ से अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करेंगे अगर वो क्यूरियस हैं और वो एकेडमी में नहीं आना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। ऑफ कोर्स वो इंटरनेट पे ही जाएंगे बट वो उसको किसी और तरीके से डाउनलोड करेंगे। इसी पे मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ कि यार क्या इंटरनेट पे आप किसी चीज़ को बैन कर सकते हो, कैन यू एक्चुअली बैन एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है और स्पेशली जो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल मटेरियल होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आप उसको बैन कर ही नहीं सकते हो, आप उसको प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा हद तक, जैसा कि फिलोसोफर साल्वर जैक ने भी कहा है। Generally, there is something in so-called intellectual property, knowledge and so on, which is communist in its very nature, in the sense that it resists being constrained by private property. It tends to circulate freely. So again, how to solve this problem? I don't think that capitalism will succeed in privatizing intellectual property. कि यार जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना, इसका नेचर ही ऐसा होता है कि ये पब्लिक गुड के लिए ही होती है। इसको आप काफ़ी टाइम तक दबा के नहीं रख सकते हो अपने अंदर, या अपने जेब में डाल लोगे या अपने वॉलेट की तरह अपने बैंक अकाउंट में इसको लॉक करके रख दोगे, नहीं, इसका नेचर ही है कि ये फैलेगी। तो ये तो बकवास हो गई कि मतलब यू नो कि तो फिर पॉइंट ये कि इंटरनेट पे बैन करना इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। कर सकते हो इंटरनेट पे आप कुछ बैन नहीं कर सकते हो, बस आप ये बात ये है कि इसको बैन करके आप बैन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे टू एक्सेस दिस थिंग, अगर वो उससे एक्सेस करेंगे तो उनको एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, उनको लगेगा कि मैं शायद कुछ क्रिमिनल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो वाई डू वॉन्ट टू गिव दिस फीलिंग टू पीपल, है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज यार इमेजिन करो ये जैसे जो पब्लिक शेयरिंग वेबसाइट नॉलेज को पब्लिकली अवेलेबल करती है, जैसे कि लिबजिन हो गई, ये इनका काम बड़ा रेवोल्यूशनरी सा है, क्योंकि सोचो हमारा जो देश है जहाँ पे अभी भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है और वहाँ पे यूथ है ऐसा जो पढ़ना चाहता है जो सीखना चाहता है, अगर सोचो वो यूथ जितने भी नॉलेज अवेलेबल है उसको अपने टिप्स ऑफ द फिंगर एक्सेस कर पा रहा है, तो
सोचो, मैं साइंस वालों की बात नहीं कर रहा क्योंकि यू नो सम पीपल और फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड हैव टू रियली यू नो गो इन द लैब एंड डू द रिसर्च, बट इमेजिन करो कि जो बाकी लोग सिर्फ उसको पढ़ के, जो रिसर्च है, जो जर्नल्स है, जो ई बुक्स है, उसको पढ़ के हाउ मच मोर दे कैन लर्न, विच इज सो हाईली इम्पॉर्टेंट इन इंडिया कि पीपल लर्न, इट इज नेसेसरी दैट पीपल लर्न इन इंडिया. इमेजिन करो कितना कुछ सीख पाएंगे. इमेजिन करो एक देश जिसकी सबसे ज्यादा जिसकी एवरेज 28 है और जहां पे क्योंकि इंसान यंग है तो क्यूरियस भी होगा. सोचो एक ऐसी वेबसाइट पे जाके जहां पे नॉलेज फ्रीली एक्सेसिबल है, अगर वहां जाके वो चीजें सीख रहा है तो कितना बढ़िया वो अपना दिमाग ग्रो कर लेगा यार, और वो अपने साथ और चार लोगों का दिमाग ग्रो कर लेगा. सोचो उससे कितना बेनिफिट होगा. अगर आपको इस फ्रीली एक्सेस नॉलेज से फाइट ही करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसको लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बना दो. सिंपल सा गेम है भाई. अगर इंटरनेट पे वो आपको लग रहा है कि वो कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आप लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल बना दो ना. आप तो यूनिवर्सिटीज की सीट्स कम कर रहे हो, काट रहे हो. आप तो कह रहे हो कि लोग पढ़े ही ना. व्हाट यू नीड टू डू कि जैसे कि जर्मनी में होता है कि लोग क्लासेस ऑडिट करते हैं, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन कम एंड अटेंड क्लासेस इन द इवनिंग्स इन द मॉर्निंग्स. व्हाई कांट यू मेक योर यूनिवर्सिटीज लाइक दैट दैट एवरीबॉडी, you know, not just a few people who have cleared the entrance exam, like everybody can come in and learn. What's wrong with that? Then maybe you will see ki log in website ki taraf kam ja rahe hain kyunki already wo university de rahi hai unko. Raho bhi pad lo, padhai karne ka itna mana to, seekhne ka itna mana to seekh lo. So that's what I'm talking about. If you want to, you know, fight something which is maybe doing some copyright infringement or something, maybe you need to counter it with improving your own things that exist already. There's no point in fighting something jo already jiski itni zyada demand hai, jisko already itne sare log use karte hain. It doesn't serve any purpose. Thanks for watching. Agar like karo, subscribe karo, comment karo ki tumhe kya feel hota hai, engage karte hain is medium pe, theek hai. Chalo, thanks for watching. Bye bye.